हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म अवतार के सीक्वल्स के बारे में। कल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस खबर को सुनने के बाद आप थोड़े झटके में आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अवतार फिल्म के टोटल 4 पार्ट बनने वाले हैं, जिनमें से बात करें इस फिल्म के सीक्वल की, तो इस फिल्म का सीक्वल बनकर रेडी होगा 2020 तक, और इस फिल्म की रिलीज डेट है 18 दिसंबर 2020, यानी फिलहाल तो अभी इस फिल्म को टाइम है। और अब बात करें इस फिल्म के थर्ड पार्ट की रिलीज डेट है 17 दिसंबर 2021, यानी सेकेंड पार्ट के बस 1 साल बाद ही हमें इस फिल्म का सीक्वल देखने मिलेगा, यानी इन दोनों फिल्म की शूटिंग को साथ में शूट किया जाएगा। तभी तो इन दोनों बड़ी बजट की फिल्मों में सिर्फ 1 ही साल का गैप है। और अब बात करें इस फिल्म के फाइनल पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट हमें 20 दिसंबर 2024 तक देखने मिलेगा, और अब इस पार्ट को रिलीज होने के लिए लगभग 2 साल का गैप है। और अब इसी के साथ बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में केट विंस्लेट को लिया गया है, जिसकी अपडेट मैंने आपको काफी टाइम पहले दे दी थी। लेकिन उसी के साथ साथ दो कास्टिंग और कंफर्म की गई है, और वो है सिगोर्नी और स्टीफन लैंग। लेकिन आपको याद होगा कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर अवतार के फर्स्ट पार्ट में मारे गए थे, तो फिर इन दोनों कैरेक्टर्स को रिटर्न लाने का मतलब है फिल्म में कुछ अलग किया जा रहा है। क्योंकि बात करें सिगोर्नी की, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने अवतार फिल्म के सीक्वल के लिए काफी सारे अंडर वाटर सीन्स किए हैं, जिन्हें करते करते उनकी हालत खराब हो गई थी। यानी फिल्म में हमें एक काफी अलग ही दुनिया देखने मिलने वाली है, जो हमने आज तक अवतार के यूनिवर्स में फिलहाल तो अभी नहीं देखा है। जी हाँ, जो भी चीज हमें अवतार फिल्म दिखाई गई है, फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का ये कहना है ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, बाकी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर ये है कि फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने पहले तो ये अनाउंस किया कि वो इस फिल्म के अलावा टर्मिनेटर और अलीता बैटल एंजल के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा धमाका ये दिया कि अवतार फिल्म के सीक्वेंस की प्रिंसिपल कास्टिंग की शूटिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जी हां, फिल्म के सारे सीक्वेंस की प्रिंसिपल कास्ट शूटिंग खत्म कर ली गई है, जिसका मतलब ये है कि फिल्म में जितने भी बड़े कास्टिंग ली गई है, जैसे कि सैम वॉशिंगटन, जोए सिल्डाना, केट विंसलेट, सिगोर्नी वाइट, स्टीफन लैंग, जिवोनी रेबिस, क्लिफ कल्टस और जेवेल डेव मोरन, इन सभी की शूटिंग को कर दिया गया है पूरी तरीके से वाइप आउट, यानी खत्म। और अब बाकी के जितने भी काम फिल्म के पेंडिंग है, वो है फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, जिन्हें स्टंट प्रोफेशनल से करवाया जाएगा, वही काम पेंडिंग रह गया है। और बात करें मिचेल रॉड्रिग्ज़ की, तो वो बाकी के सीक्वल्स के लिए रिटर्न नहीं आई है। लेकिन खैर, एक अच्छी बात यह है कि फाइनली इस फिल्म की प्रिंसिपल कास्टिंग कंप्लीट कर ली गई है, और अब सबसे बड़ा काम शुरू होगा इस फिल्म के VFX और एनिमेशन का, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और आप सभी को ये भी पता है कि अवतार फिल्म के फर्स्ट पार्ट को वैसे ही डायरेक्ट किया गया था, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम शुरू होता है फिल्म के VFX और एनिमेशन आर्टिस्ट का, जो लोग पूरी तरीके से रेडी है इस फिल्म पर काम करने के लिए, और वो लोग इसी में सबसे बेस्ट है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है अवतार फिल्म के इस अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस खबर को सुनने के बाद कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।